वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम एट पी एम आकर्षक अकेडमी ऑनलाइन क्लास आपके पास डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स एक बिग अपडेट आपको लेकर आया हूँ आज की इस वीडियो में तीन चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ और इस वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है उन सभी स्टूडेंटों के लिए जो डिप्लोमा सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल ट्रिपल ई ब्रांच एंड कंप्यूटर साइंस ब्रांच से डिप्लोमा किए प्लस जो सिक्स सेमेस्टर के बच्चे जो पास आउट हो रहे हैं उनका रिजल्ट आने जा रहा है उस पर भी अपडेट करेंगे उनके लिए भी ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है डी एल आर एस अमीन में जो ज्वाइन करने जा रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है और डी आर एस की कब ज्वाइनिंग होना है और फाइनल क्या स्थिति बन रही है उस पर भी आज इस वीडियो में बात करेंगे तो वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखेंगे आपकी हर एक प्रश्न का जवाब आज की इस वीडियो में उपलब्ध होगा तो हम लोग चर्चा करते हैं आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं तीन प्रश्न जो कि सबसे महत्वपूर्ण एस बिहार डिप्लोमा रिजल्ट जो सिक्स सेमेस्टर रिजल्ट होना है उन बच्चों के लिए जो बच्चों ने अभी जस्ट एग्जाम दिया है फाइनल सेमेस्टर का और रिजल्ट के बेट में है इंतजार में है जिनकी एग्जाम जून में कंप्लीट हुई है उनका रिजल्ट बहुत जल्द प्रकाशित होने जा रहा है बहुत जल्द मतलब ये इंपॉर्टेंट हैं बता देना बच्चे बहुत परेशान थे कॉल भी कर रहे थे लगभग हमें लग रहा है कि छब्बीस या सत्ताईस जून तक आपके रिजल्ट पब्लिश हो जाना है छब्बीस जून छब्बीस जून या सत्ताईस जून मतलब ये फाइनल है यदि किंचित कारणों से क्योंकि होता है कि फाइनल रिजल्ट पब्लिश करने से पहले अप्रूवल मिनिस्टर वगैरह का होता है तो मे भी एक आध दिन डिले हो जाए तो अलग बात लेकिन हमें जहाँ तक जो जानकारी मिल रही है इस उम्मीद से हमने आपको क्लियर बताया था तो उन बच्चों का ये प्रश्नों का जवाब है जो बार बार परेशान थे कि सर रिजल्ट कब आ रहा है क्लियर है अब रिजल्ट जो आने जा रहा है रिजल्ट के साथ आपके लिए एक बिग अपॉर्चुनिटी भी आपके दरवाजे पर दस्तक दे रखा है आरआरबी जेई सीबीटी बी वन दो फेज में जेई की एग्जामिनेशन होता है सीबीटी वन और सीबीटी टू इस पर पूरी डिटेल जानकारी आप रखें और साथ में तैयारी कहाँ से करें कैसे करें इसकी भी जानकारी आज हम लोग देंगे लास्ट में हम लोग डी वाले अमीन ज्वाइनिंग पर भी हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो में तो आज जो हमारा मेन फोकस होगा तीन चीजों पर साथ में आर आर बी जेई सीबीटी वन कोर्स अनाउंसमेंट भी 2024 का है फोर ऑल ब्रांच डिप्लोमा एंड बीटेक स्टूडेंट्स के लिए जो कि रेलवे में अपनी कैरियर बनाना चाह रहे हैं रेलवे में अपना एक पद जूनियर इंजीनियर के रूप में सुनिश्चित करना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत इंफॉर्मेटिव आज की वीडियो है चलिए देखते हैं अब हमारे पास दो ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है पीटीएससी जेई दो हजार चौबीस आर आर बी जेई दो हजार चौबीस जेई की जानकारी सभी बच्चों को है लगभग लेकिन फिर से मैं बता रू कि ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है जिसकी सुनवाई छ अगस्त संभावित रखा गया है छ अगस्त 2024 संभावित रखा गया है जो डेट दिया गया लेकिन हमारे तरफ से कोशिश है कि ये जुलाई में सुनवाई हो इसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं मेंशनिंग की जो प्रोसेस है उसके लिए भी कर रहे हैं तो यहाँ भी जो सिविल के बच्चे हैं मैकेनिकल के बच्चे हैं इलेक्ट्रिकल के बच्चे हैं यहाँ भी आपके पास बिग अपॉर्चुनिटी बिहार में भी यदि रिक्रूटमेंट एक दो महीना में आ जाता है तीन महीना में आ जाता है तो आपके पास बिग अपॉर्चुनिटी यहाँ है इसके लिए भी हम बच्चों को तैयारी भी करा रहे हैं और कोर्स भी दे रहे हैं एक हमारा कोर्स चल रहा है ये बी टी एस सी करके ये कोर्स है जो कि अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है 21 मई से क्लासेस स्टार्ट दो या तीन जून से स्टार्ट हो गया है अभी बहुत सारा सब्जेक्ट नहीं चल रहा है टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों पढ़ा रहे हैं इस कोर्स के साथ आर आर की कंप्लीट टेक्निकल नॉन टेक्निकल भी क्लासेज दे रहे हैं और साथ में बी टी की भी क्लास कम्प्लीट जो सिलेबस बी टी और आर आर के लिए हैं वो हम मर्ज करके कंप्लीट पढ़ा रहे हैं ये फाउंडेशन कोर्स है हमारा तो बच्चे जो इंटरेस्टेड होंगे सिविल के लिए स्पेशल ये कोर्स हैं तो सिविल के बच्चे जो इंटरेस्टेड होंगे वो ज्वाइन कर सकते हैं आज की इस वीडियो में हम लोग आर आर बी जे पर डिटेल चर्चा करेंगे ये इन्फॉर्मेशन था बी टी एस सी रिगार्डिंग जो बच्चे परेशान थे कि बी टी एस सी की क्या स्थिति है कब तक आएगा हमारी कोशिश है बी टी एस सी पर कि जितना जल्द सुप्रीम कोर्ट से क्लियर हो रिक्रूटमेंट और वहाँ से क्लियर होने के बाद बीस दिन के अंदर विज्ञापन आपके पास में लेके आऊँगा मेरी कोशिश है बीस दिन के अंदर यदि छ मैक्सिम छ अगस्त को टाइम दिया हुआ सुप्रीम कोर्ट का छ अगस्त को क्लियर होता है वहां से मामला उसके बीसवा मा दिन आपके पास विज्ञापन होगा ये मेरी कोशिश होगी लेकिन प्रयास जारी है और कर रहे हैं बाई ऑनेस्टली अब हम लोग आर आर जेई पर हम चर्चा करते हैं बी टी आपका क्लियर हो गया आर आर जेई पिछले बार 2018 में पब्लिश हुआ और 2018 में हमने बच्चों को पढ़ाया और बच्चों को जो मैंने पढ़ाया उसमें एक सौ दस बच्चों का बैच था हमारे पास वन हंड्रेड टेन बच्चों का जिसमें एक सौ पांच बच्चों का सिलेक्शन सी बी टी वन में हुआ था सी बी टी सॉरी सी बी टी वन में सिलेक्शन एक सौ पांच बच्चों को हुआ था और फाइनल रूप से सी बी टी टू क्वालिफाइड सिक्सटी एट स्टूडेंट हमारे यहां से किए थे जिसमें इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और सिविल को मिला करके नंबर ऑफ संख्या सिविल की ज़्यादा था इलेक्ट्रिकल के लगभग बारह तेरह स्टूडेंट थे मैकेनिकल का भी पाँच छः स्टूडेंट थे और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से एक या दो स्टूडेंट मोनू अभी कलकत्ता बोर्ड में है शायद मेरे पास ध्यान में जहाँ तक है तो लगभग इलेक्ट्रिकल में गोरखपुर बोर्ड में पंकज हैं पप्पू हैं निराला जी हैं एक मुंबई बोर्ड में हैं शैलेंद्र कुमार वो सभी स्टूडेंट्स हमारे संस्थान से जुड़े हैं सिविल में मालदा बोर्ड गुवाहाटी बोर्ड कोलकाता बोर्ड सिलीगुड़ी बोर्ड इलाहाबाद बोर्ड गोरखपुर बोर्ड और चेन्नई बोर्ड और मुंबई बोर्ड और साथ में पटना बोर्ड सिविल में इतने संख्या इतने बोर्डों के बीच हमारा बच्चा अभी कार्यरत हैं और दावे के साथ ठोक करके उन बच्चों ने सहयोग किया साथ दिया विश्वास किया और उनके विश्वास पर हमने खरा उतर के उनको रिजल्ट तक पहुंचाया। तो ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग है सीबीटी वन आर आर जेई की जो तैयारी करने जा रहे हैं बच्चे क्योंकि बच्चे कमो टेक्निकल को मैक्सिमम फोकस करते हैं और उनका नन टेक खराब हो जाता है यहां सबसे पहला एक बैरियर है कि आप सीबीटी वन क्वालिफाई करेंगे तभी आप सीबीटी टू देंगे टू में जो टेक्निकल बंदा था वो एवरेज स्टूडेंट भी था आज आर आरबी में जेई है तो के कारण और मेंस का एग्जाम हो गया तो आपको फोकस करना होगा और कैसे रिजल्ट दिया जा सकता है सीबीटी वन में हमारे पुराने स्टूडेंट भी आज वीडियो देख रहे हैं होंगे क्योंकि हमारे साथ एक कंसिडर कंडीशन था बच्चों के साथ और हम लोग उस पर काम किए थे कि थ्योरी के साथ साथ मोर एंड मोर प्रैक्टिस कैसे कराया जाए और एक्सपेक्टेड आने वाले क्वेश्चनों के साथ उस समय में हमें याद है ऑफलाइन सेंटर पर लगभग लगभग हम लोग हंड्रेड अबाउट टेस्ट लिए थे के के लगभग और एग्जाम देने बाद जो ऑनेस्टली बच्चों को विश्वास था और डे वन से लगे रहे और साथ खड़ा हुए सभी बच्चों ने सीबीटी क्वालिफाई किया वन इन कुछ बच्चों का था कि नहीं हम इधर ज्वाइन करेंगे इस कोचिंग में जाएंगे उस कोचिंग में जाएंगे तो जिनका जाना था चले गए जब डिस्कालीफाई हुए तो फिर वापस आए कि सर आपकी प्लानिंग सही थी और हमने असफलता हाथ लगा हमें और आज फिर मैं वापस जहां था वहां आ गया सो तो हम अभी से ही आपको स्पष्ट कह देना चाह रहे हैं कोई जरूरी नहीं है कि अनुभव सर की कोचिंग को ज्वाइन करें मैं पहले बोलता हूं बच्चों को आप सक्षम हैं और बेहतर से बेहतर करने के लिए खुद से भी करें आपको लगता है कि मैं कर नहीं पाऊंगा वैसे कंडीशन में अनुभव सर की यदि जरूरत लगता हो तो निश्चित ज्वाइन करें हमारी एक अपनी रिसर्च है और कैसे रिजल्ट देना है ये बहुत चीजें बताने की जरूरत नहीं है मैं रिजल्ट दावे के साथ ठोक के देने जा रहा हूं तो अब जो अभी सीटें आई हैं 2024 में लंबे समय के बाद तो लगभग हमें लगता है कि उनासी सौ ग्यारह मतलब आठ हजार कह सकते हैं उनासी सौ सीट हैं यह बात आप लोग ऑफिशियल तरीके से जो पत्राचार रेलवे बोर्ड द्वारा किया गया रेलवे द्वारा किया गया उसके माध्यम से आप जान रहे हैं लेकिन अनऑफिशियली तरीके से मुझे संभावना है जहां तक जानकारी है संभावित में बोल रहा हूं इसमें तीन हजार प्लस सीट और ऐड होने की है यदि एस एस ई को अलग से एग्जाम दे निकालता है विज्ञापन एस एस ई सीनियर सेक्शन इंजीनियर एस एस ई सीनियर सेक्शन इंजीनियर का तब तो ये सीटें नहीं आएगा पिछले बार मर्ज करके 18 में जो विज्ञापन निकाली गई थी एस की सीटें को सिलेंडर कर दिया गया और जेई के साथ मर्ज कर करके पब्लिश किया गया था विज्ञापन लगभग लग बारह हजार के अराउंड था वैकेंसी तो हम जहां तक एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि इस बार भी अभी 8000 जो जेई की एग्जैक्ट पदे हैं वो विज्ञापित किया गया है एसएससी वाली पदे अभी भी रुका हुआ है यदि इसमें ऐड करता है तो जेई के लिए सीट बढ़ जाएगा नहीं तो एस के अलग से निकालता है जो बीटेक लेवल पर ओनली एप्लीकेंट होते हैं बस से तो वो नहीं आएगा लेकिन चल रही है इस पर बातें कुछ जानकारी और प्राप्त होगा तो हम आपको निश्चित रूप से अपडेट करेंगे तो ये बातें रह गया अभी वर्तमान जो आपके पास देखने को मिल रहा है और उनासी सौ सीट अब हम लोग चर्चा करें कि जो इसकी सिलेबस होना है और सीबीटी वन में क्या पूछे जाना है प्रश्न ये है किस किस सेक्शन से क्या क्या मार्क्स का क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन का क्या कुछ पैटर्न होता है तो पहले मैं बताऊं कि मैथमेटिक्स से आपके ३० प्रश्न पूछे जाएंगे मैथ से जनरल मैथ जो कंपटेटिव मैथ होता है उससे आपके तीस प्रश्न पूछे जाएंगे यदि बच्चा क्वांटिटिव एप्टीट्यूड बुक है आर एस अग्रवाल का आप परचेज करिए हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में उपलब्ध है आप इसको अच्छा से मेहनत कर करके यदि जाते हैं प्रैक्टिस करके कर जाते हैं तो सफिशियंट है या रेलवे का कोई क्वेश्चन बैंक वगैरह आप देख लेते हैं सफिशियंट है तैयारी मेहनत करना होगा दूसरा जनरल साइंस तीस क्वेश्चन इसके लिए भी ये क्योंकि इससे जो क्वेश्चन पूछता है वो टी बेस्ड पूछता है एन टी बेस्ड एकदम कंसेप्चुअल क्वेश्चन है फिजिक्स का क्वेश्चन हो केमिस्ट्री का क्वेश्चन हो या बायो का क्वेश्चन तो इसके लिए आपको गाइड लेने की जरूरत है पढ़ने की जरूरत है हालांकि मैथ में भी बच्चों की जो स्थिति मैं देख रहा हूँ या बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं समझ रहा हूँ कि डिप्लोमा लेवल के बच्चों की जरूरत है क्लास करने की पढ़ने की लेकिन जो बच्चे समझते हैं कि हमें जरूरत नहीं है तो वो निश्चित प्रैक्टिस में आ जाए फॉलो में आ जाए तीसरा जनरल अवेयरनेस पंद्रह मार्क्स का होगा चौथा सब्जेक्ट होगा आपको जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग ये होगा पच्चीस मार्क्स का कुल मिलाकर के टोटल जो है हंड्रेड प्रश्न पूछे जाने हैं सौ प्रश्न जिसकी टाइमिंग होगा नब्बे मिनट अब देखिए यही सबसे बड़ा चीज क्या है रिजल्ट में यही बच्चे गलती करते हैं प्लानिंग करने में ये प्लानिंग आपको करना होगा अब देखिए स्कोरिंग पार्ट कहां कहाँ है आपका क्वेश्चन मैथ यदि मैथ की अच्छी प्रैक्टिस कर ली जाए मैथ की यदि अच्छी प्रैक्टिस कर ली जाए तो तीस में तीस से ही किया जा सकता है जनरल साइंस को भी यदि फिजिक्स पार्ट को अच्छा कर लिया जाए तो लगभग इनसे आप पच्चीस छब्बीस क्वेश्चन निकाल सकते हैं हम पचीस ही मान के चलते हैं जनरल अवेयरनेस अथाह समुद्र है इतना बड़ा एरिया है जो कुछ भी नहीं कहा जा सकता हिस्ट्री पोलिटिक ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स करंट uh, अफेयर्स सारा चीज कुछ भी स्पोर्ट्स अवार्ड्स इतना सारा चीज है कि क्या पूछेगा कहने की जरूरत नहीं तो इसमें मैक्सिमम हम लोग कोशिश करते हैं कि बच्चा करंट अफेयर्स को देखता रहे पाँच छः क्वेश्चन दस क्वेश्चन तक करंट अफेयर्स अवार्ड वगैरह आप पढ़ लिए देख लिए तो आपकी काम हो जाएगा इससे ज्यादा की जरूरत इसमें नहीं है छः से दस क्वेश्चन तक आप पकड़ सकते हैं लेकिन जनरल इंटेलिजेंस जो रीजनिंग है इसकी यदि अच्छी प्रैक्टिस आपने कर लिया अच्छी प्रैक्टिस यदि आपकी जन रीजनिंग की हो जाती है तो माने पच्चीस में पच्चीस सही करेंगे तो आप सोचिए यहाँ से स्कोर मैथ में यदि आपने अच्छा प्रैक्टिस किया तीस में तीस रीजनिंग में पच्चीस और इधर जो है पच्चीस साइंस पोर्सन से तो लगभग एट्टी परसेंट स्कोर तो आप यहाँ से कर रहे हैं एट्टी परसेंट क्वेश्चन का स्कोर आप सिर्फ और सिर्फ तीन सब्जेक्ट से कर रहे हैं अब इसमें हम 100 परसेंट संभव नहीं है तो दो चार पांच क्वेश्चन गिर भी सकता है तो आपको भरपाई जो है जेनरल अवेयरनेस से हो जाएगा तो लगभग मान के चलिए कोई भी स्टूडेंट सीबीटी वन में सिक्सटी प्लस मैं बता रहा हूं साठ से सत्तर के बीच अंदर किसी भी बोर्ड का साठ से सत्तर के भी ये इंडिया की किसी भी कोचिंग की एनालिसिस नहीं है मैं हर एक बोर्ड की एनालिसिस में बता रहा हूं यह संभव नहीं है साठ परसेंट से लेकर सत्तर आप हंड्रेड नेगेटिव बिना लिए मैं बार बार बोल रहा हूं रेलवे का एक सबसे बड़ा एक और चीज जान लें आप लोग जो बच्चे तैयारी करने जा रहे हैं जो प्रश्न नहीं आ रहा है वो गलती से अटेम्प्ट ना लें नहीं लें मालूम चला कि तुक्का मारने के चक्कर में दो चार क्वेश्चन ऐसा फंस जाएगा आप रिजल्ट से बाहर हो जाएंगे तो कृपया कर जो भी बच्चे रेलवे की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं उनसे हमारा रिक्वेस्ट कि नेगेटिव अटेम्प्ट करने की कोई जरूरत नहीं है नेगेटिव है आपकी बहुत लॉस हो जाएगा तो साठ से सत्तर आपने सही से ही स्कोर कर लिया सभी पोर्सन को छाटते हुए कि ये ये पार्ट नहीं आ रहा मैथ का कुछ ऐसे चैप्टर है जो कि नहीं पकड़ में है नहीं बन रहा है रीजनिंग के ऐसी कुछ चैप्टर है जो नहीं बन पा रहा है तो जो मेरा बेहतर कमांड है उसमें इतनी प्रैक्टिस हो जाए कि समय रहते हुए हम चीजों को कर लें हमारे पास 90 मिनट टाइम है डेढ़ घंटा टाइम है क्वेश्चन हमें कितना करना है 60 से 70 आ रहा हो तो आप बनाइए आ रहा हो सौ में सौ प्रश्न आप जान रहे हैं तो बनाइए लेकिन इससे अधिक करने की कोई जरूरत नहीं है नेगेटिव एकदम नहीं लेना है. एक भी कोशिश करिए कि हम अपने जानते एक भी नेगेटिव ना ने लेंगे लें। यदि आपने यहाँ एक्रेसी दिखाया स्कोर करने में दुनिया की कोई ताकत आपको किसी भी बोर्ड में फॉर्म भर दीजिए सीबीटी वन क्लियर हो जाएगा और इन चीजों को कैसे करना है कैसे एकुरेसी आपकी आएगी क्या क्या प्लानिंग्स होगा वो हम बच्चों को क्लास में कराते हैं ये पब्लिकली चीजें नहीं बताई जा सकती वो सारी चीजें हमारे क्लास की चीजें तो प्यारे स्टूडेंट्स जो विषय क्लास का है वो क्लास में करेंगे हम लोग तो ये सौ प्रश्न आपका सी बी टी वन में होना है आप खुद से यदि आप सक्षम है तैयारी करिए हमारी जरूरत लगता है तो हमारी क्लास को ज्वाइन करिए दूसरा सीबीटी बी टी टू सी टू में जनरल अवेयरनेस यहाँ पंद्रह मार्क्स का रहेगा फिर वही करंट अफेयर वगैरह वही अवार्ड वगैरह दुनिया जान रहेगा आपको आ, कहें तो हिस्ट्री फोलिटी से भी एक दो क्वेश्चन रहता है इसे ज्यादा बैटेज नहीं देता है जनरल साइंस का क्वेश्चन फिर यहाँ भी रहेगा जनरल साइंस में यहाँ बैटेज फिजिक्स और केमिस्ट्री का ज्यादा होगा और बायो की जगह पर इन्वायरमेंट से कुछ चीज़ें यहाँ डाला रहेगा तो इन्वायरमेंट तो अलग से मैंने लिख दिया है एन्वायरमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल से दस क्वेश्चन इसकी संख्या कम बढ़ सकता है लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री का रहेगा ये दोनों पार्ट मिला के पच्चीस क्वेश्चन यहाँ भी है दोनों पार्ट इन्वायरमेंट और जनरल साइंस मिलाकर के पच्चीस क्वेश्चन है पंद्रह क्वेश्चन आपको जनरल अवेयरनेस से तो कितना हो गया चालीस क्वेश्चन और दस क्वेश्चन है बेसिक कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन से बेसिक कंप्यूटर कंप्यूटर का बेसिक चीज है माउस कीबोर्ड विंडोज हार्ड डिस्क इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस ये सब सारा ये सब रहता है प्रश्न पहले कीबोर्ड का फंक्शन की एप्लीकेशन प्रोग्राम का, का कमांड ये सारा चीज रहता है कीबोर्ड पर जो शॉर्टकट की क्या होता है ये सारा चीज़ प्रश्न रहता है तो ये सभी यदि अच्छे से कर लिया है कंप्यूटर को तो ये दस में दस यहाँ किया जा सकता है साइंस का यहाँ यदि अच्छा पकड़ बना रखे हैं और थोड़ा रिवीजन कर लीजिएगा तो यहाँ भी लगभग लग लग आप पकड़ सकेंगे इन्वायरमेंट का जो दस क्वेश्चन देता है उसके लिए हम लोगों ने सेलेक्टिव कुछ मटेरियल बना के रखा है जो दस में दस बच्चों को सही होगा जनरल अवेयरनेस के लिए भी हम लोगों ने सेलेक्टिव क्वेश्चन बना रखा है यहाँ भी जनरल अवेयरनेस के लिए हम लोगों ने सेलेक्टिव चीज़ बना के रखा है बच्चों को ये सब चीज़ हम लोग अपने बच्चों को हम प्रोवाइड भी करते हैं तो कुल मिलाकर टेक्निकल क्वेश्चन जो होता है यहां सौ होता है तो डेढ़ सौ प्रश्नों के एग्जाम जो आपके होना है इसके लिए समय दो घंटे दिए जाएंगे टू आवर और दो घंटा समय में यदि बच्चे के पास प्लानिंग है तो सौ प्रश्न है इधर पचास प्रश्न है उधर डेढ़ सौ तो टेक्निकल क्वेश्चन का भी स्टैंडर्ड बहुत सारी कोचिंग संस्थान बहुत जगह आपको बताएगा कि ऐसा क्वेश्चन वैसा क्वेश्चन क्वेश्चन जो रियल डिप्लोमा लेवल का है वही पूछा जाता है ये नहीं कि इसमें बीटेक अप्लीकेट हैं और बीटेक के हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाता है नहीं और एक दो एग्जाम नहीं मैं चौदह रेलवे पंद्रह रेलवे अठारह रेलवे और ये चौबीस ये चौथा एग्जाम है बच्चों को कराने जा रहा हूं तीन एग्जाम पहले हमने कराया है और उसकी पूर्ण रूप से एक्सपीरियंस है क्या क्या प्रश्न पूछता है सारा टेक्निकल का हो या नॉन टेक्निकल का हो ये बहुत ही कम लोग इन चीजों को जानते होंगे बहुत कोचिंग संस्थान से आपको मिल जाएगा कि प्रीवियस क्वेश्चन देख के कर देंगे नहीं और कैक शिफ्ट में एग्जाम ऑनलाइन एग्जाम यदि होता है तो कैक शिफ्ट में एग्जाम होता है तो नंबर ऑफ शिफ्ट के हिसाब से भी तो हमने सारा चीज देखा तो रियल कंसेप्चुअल कंसेप्ट यदि आपके पास है तो आप निश्चित रूप से बेहतर स्कोर यहां से भी आप करके लाएंगे इधर आपको सौ प्रश्नों सौ प्रश्न में साठ सत्तर क्वेश्चन यहां से आप निकाल सकेंगे आप इधर का पचास से तीस से पैंतीस क्वेश्चन आप यहां से निकाल सकेंगे डेढ़ सौ एक सौ पांच से एक सौ दस स्कोर कर दिया तो रिजल्ट सीबीटी टू फाइनल हो जाएगा कोई भी बोर्ड ये मत सोचिए कि कौन सा बोर्ड मैं चैलेंज को स्वीकार करते हुए एक बच्चा हमारा चंडीगढ़ बोर्ड में मैंने बताया नहीं सुमन अभी दिल्ली स्टेशन पर ही पोस्टेड है और एकलौता बच्चा वाला कि सर तू यहाँ तो चंडीगढ़ हरियाणा में पूरा उधर का बच्चा दिल्ली के जो कोचिंग करता है उसके बच्चे बैठते हैं और आर आर वी जेई में सुमन को मैं लाऊंगा कभी इंटरव्यू कराऊंगा ठोक कर मैंने चैलेंज किया था और उस बोर्ड का सबसे हाईएस्ट मार्क्स सीबीटी बी वन और सीबीटी बी टू में लाने वाला स्टूडेंट अनुभव राज का स्टूडेंट है किसी की ताकत नहीं जो बोल पाएगा और उसमें बच्चे को लाऊंगा आपके बीच और गरीब का बेटा था एक समय था उसकी कहानी बहुत दर्दनाक था अब मुझे आज भी याद है जब उसकी उस किडनी में स्टोन और ऑपरेशन हुआ तो सारे स्टूडेंट छोड़ के उसको भाग चुके थे और अनुभव आज रात के एक बजे जाके उस बच्चे के लिए खड़ा हुआ और वहाँ से जोड़ करके उनको पढ़ाया तैयारी कराया आज रेलवे में जई है तो ये कोशिश हमारे बच्चों के प्रति रहा है एकदम और लगातार तो ये कोशिश लगातार जारी है और आगे भी जारी रहेगा सो तो प्यारे स्टूडेंट्स तो ये आपने सी बी एंड सी बी को देख लिया आप अपने नोट भी कर सकते हैं वीडियो को फॉज कर करके क्या क्या चीज़ें पढ़ना है बहुत बच्चों को था कि सर इस पर एक डिटेल वीडियोस कर दीजिए तो ये जानकारी हो गई अब जो बच्चे अभी चाह रहे हैं कि इसकी तैयारी सर हमें स्टार्ट करना है कॉल बच्चों ने भी करा तो उनके लिए हम लोगों ने यह कोर्स स्टार्ट कर दिया ये सी बी टी का कोर्स है हमारा सी बी का और इसमें सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के बच्चे जो डिप्लोमा कर रखे हैं या बीटेक भी, भी बंदा यदि हमसे सी बी टी वन पढ़ना चाह रहे हैं सी बी टी टू पढ़ना चाह रहे हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं बाद बाकी हमारे विचारों से आप अवगत ये ना कोई बच्चा सोचे कि सर के यहाँ क्लास ज्वाइन कर लें तो इनकी जो अपनी चीज़ें हैं उसमें हस्तक्षेप नहीं होनी चाहिए बहुत क्लियर है मेरा विज़न और कंसेप्ट क्लियर है मैं कह के बच्चों को पढ़ाता हूँ हमारा उद्देश्य बहुत स्पष्ट है हम डिप्लोमा के हैं और डिप्लोमा के लिए हैं डिप्लोमा के प्रति समर्पित इंडिया में ऐसी कोचिंग कोई नहीं मिलेगा बोल करके कह करके ठोक करके पढ़ाने वाला लेकिन ये हमारी अपनी विचार है जिन बच्चों को लगता हो जो बीटेक कर रखे हैं उनको लगता है कि सर से हमें लाभ लेना चाहिए कई बच्चे 18 वाले बैच में ही चार पांच स्टूडेंट बीटेक वाले हमारे यहाँ पढ़े भी उनकी सिलेक्शन भी हुआ है तो मैं जान रहा हूँ तो जिनको मतलब उन चीजों से ऊपर उठ उठ कर करके लगता हो कि नहीं आ, सर से मुझे पढ़ना चाहिए जानकारी लेना चाहिए चीजों को समझना चाहिए प्लानिंग्स को अपनाना चाहिए सर की कंटेंट से हमें लाभ लेना चाहिए तो ज्वाइन कर सकते हैं डिप्लोमा के बच्चे जो जस्ट अभी पास आउट होने जा रहे हैं उनके लिए तो समझिए कि एकदम बहुत बड़ा बिग अपॉर्चुनिटी है ये इसको बेटा मिस मत करिए आप ये मिस आपको हो जाता है सिंगल टारगेट आप करिए जो बच्चे ऑफलाइन आकर तैयारी करना चाहते हैं ऑफलाइन भी आ सकते हैं जो बच्चे ऑनलाइन करना चाहते हैं तो इस कोर्स को भी ज्वाइन कर लेने से उनकी कंप्लीट कंटेंट मिल जाएगा नहीं सिर्फ चाहते हैं कि सीबीटी बी वन मेरा हो जाएगा तब सीबीटी बी टू की तैयारी के लिए सोचेंगे तो सीबीटी वन के लिए कोर्स को हमारे एप्लीकेशन नेक्स्ट एग्जाम एट पी जो आप देख रहे हैं सामने इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से वहां एप्लीकेशन हमारे एप्लीकेशन के स्टोर पर कोर्स दिया हुआ है वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं अब रह गई बात है कि बच्चों को कि सर क्या क्या कुछ फीस होने वाला है इस दोनों कोर्स का तो हम लोग डिटेल देख लें आर आर बी जेई अच्छा एक चीज और गुड न्यूज़ मैं बता दूं आरआरबी जेई 2024 25 की तैयारी है एक मैं गुड न्यूज़ दे रहा हूं जो डीएलआरएस ट्रेनिंग कोर्स बच्चे ज्वाइन किए हैं वो ये कोर्स परचेज नहीं करेंगे हम उनको पूरी क्लास फ्री देने जा रहे हैं सीबीटी वन का डीएलआरएस कोर्स जो ट्रेनिंग की ज्वाइन कर रखे हैं 1 जुलाई से 2 बजे से लाइव क्लास आप अटेंड कर पाएंगे पूरा सीबीटी बी वन का कंप्लीट उसके लिए अलग से कोई चार्ज पे करने की जरूरत नहीं है जो आपने पे किया उसी चार्ज में ये हमारा क्योंकि पढ़ाई और कमाई साथ होनी चाहिए आप रोजगार के लिए परेशान थे रोजगार मिल गया लेकिन वो अस्थाई नहीं है कई बच्चों से मेरी बात हुई कई वीडियो में मैंने बताया कि वो सर कैरियर संवारने का बेहतर ऑप्शन वहां हो सकता है लेकिन कैरियर बनाने के लिए लाइफ टाइम के लिए सिक्योर करने के लिए परमानेंट जॉब जरूरी है तो आप जॉब करते हुए भी एक दो घंटा तीन घंटा अपने आप कंप्रोमाइज करके समय निकाल के यदि आप पढ़ लेते हैं और एग्जाम बिफोर डीएलआरएस के सारे बच्चों के लिए एक महीना में ऑफलाइन सेंटर पर क्योंकि उनके साथ मजबूरी है कि टाइम नहीं है हम ऑफलाइन सेंटर पर उनको स्पेशल ट्रीटमेंट की व्यवस्था करेंगे स्पेशल कुछ करने जा रहे हैं तो बच्चे, ये बच्चे जो कर चुके हैं येगा ये जो, तो तो जो नहीं चाहते हैं हमें ये कोर्स ज्वाइन करना है तो ये भी ज्वाइन कर सकते हैं अब हम लोग कोर्स की फी की थोड़ी बात कर ले बीटीएससी जी दो हजार रिजल्ट के साथ मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों को और रिजल्ट लेकर आऊंगा ठोक करके एक बच्चों के लिए ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं इस कोर्स का फी 6790 सॉरी 799 रुपया 6790 रुपया फीस हैं और ये क्लास 21 मई से चल रहा है दूसरा हमारा जो यह आरआरबी की जो बैच है इसका नाम मिशन बैच है हर सूरत में एक-एक बच्चे को सीबीटी वन क्वालिफाई कराने का ठोक जिम्मेदारी लूंगा ठोक के क्योंकि जो टीम मैं दे रहा हूं आपको इंडिया की बेस्ट से बेस्ट इंस्टीट्यूशन का टीम 20 बरस का एक्सपीरियंस टीचर चाहे वो मैथ का आशुतोष सर हो या अनुरागी सर हो गोपाल कृष्ण अनुराग अनुरागी नाम है सर का वो साइंस आपको पढ़ाएंगे तीनों पार्ट फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो तीनों पढ़ाएंगे ये जो टीम है आपका इतनी जबरदस्त टीम है जो कि आप सोच नहीं सकते और दावे के साथ ठोक करके बताता हूं मैथ तो चुटकी में ना बन गया ना पढ़ाना छोड़ दूंगा जिसको मैथ बुझाता नहीं हो समझ में नहीं आता हो बच्चों को बेटा कलम उठाओ आंसर गया मैक्सिमम से से पांच से दस सेकंड में आंसर क्वेश्चन पढ़िए और पांच सेकंड के अंदर आंसर टिक करिए चाहे वो किसी चैप्टर का क्वेश्चन हो ये तैयारी हमारी है और बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन उन्होंने लंबा समय अपने किसी इंस्टीट्यूशन में दिया मतलब ब्रांड कह सके तो ब्रांड इंडिया की यदि ब्रांड आप बात करेंगे तो ब्रांड

ये ऑफर प्राइस जो होगा आज 24 तारीख है वीडियो जो शूट हो रहा है तो ये 28 तारीख तक 28 जून मतलब चार पांच दिन ही रखेंगे 2024 28 जून 2024 तक ही ये प्राइस वैलिड रहेगा उसके बाद फीस रिवाइज हो जाएगा तो 28 जून तक जो भी बच्चे क्योंकि एक तारीख से क्लास स्टार्ट हो जाना है तो हमने ये बच्चों को लाया है खास करके ये उन बच्चों के लिए था रिक्वेस्ट जो बच्चे हमारे यहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं तीन सौ से उभव एभव बच्चे उनकी भी प्रयास था कि सर चीजें लाया जाए हम लोगों के लिए उनके लिए भी मैंने दिया प्लस जो बच्चे अब चाह रहे हैं कि हम एल आर सी ज्वाइन कर रहे हैं हम लोगों को भी वैकल्पिक विकल्प मिले क्लास टेस्ट नोट्स सारा चीज टेस्ट भी अच्छा एक चीज मैंने और नहीं बताया आप लोगों को लगभग अभी हमारी तैयारी इस कोर्स के साथ जो टेस्ट का है अभी सप्ताह में हम लोगों ने दो टेस्ट लगभग जुलाई की एंड से आफ्टर एडवर्टीजमेंट विज्ञापन प्रकाशित हो जाने के बाद सप्ताह में दो टेस्ट हम लोगों ने रखा है फुल लेंथ टेस्ट और फुल डिस्कशन होगा जो फैकल्टी आपको पढ़ा रही है मैथ साइंस रीजनिंग उनके द्वारा ही सौ प्रश्नों का डिस्कशन कंप्लीट दिया जाएगा तो ये खासियत है टोटल टेस्ट की टारगेट हमारा चालीस से पचास का है लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंटों की संख्या बढ़ता है अप्रॉक्स जो हम लोग सोच रहे हैं जिस स्थिति में 5000 प्लस स्टूडेंट्स यदि कोर्स परचेज करते हैं या ज्वाइन करते हैं तो लगभग टेस्ट हम लोग हंड्रेड देने जा रहे हैं सौ उसकी तैयारी चल रहा है तो ये सौ टेस्ट हम लोग कराएंगे टेस्ट जो शेड्यूल होगा हमारा आफ्टर एडवर्टीजमेंट जुलाई के एंड या अगस्त फर्स्ट या सेकंड वीक सेकंड वीक ही मान के चलिए सेकेंड वीक फर्स्ट वीक में थोड़ा डिस्टरबेंस रहेगा बी टी इश्यूज़ को लेकर के तो सेकेंड वीक ऑफ अगस्त से टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा कंप्लीट रूप से तो ये चीज़ें और ये चीज़ें कहीं नहीं मिलना है इतना टेस्ट एक साथ कंप्लीट और जो टेस्ट में क्वेश्चन मैं कराया हूं उससे बाहर कुछ नहीं होगा ना मैथ का क्वेश्चन होगा ना साइंस का क्वेश्चन होगा ना रीजनिंग का क्वेश्चन होगा और जनरल अवेयरनेस तो अनलिमिटेड चीज़ें हैं उस पर बहुत डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि पंद्रह नंबर के लिए है करंट अफेयर कंटिन्यू देखते जाइए और अवार्ड वगैरह वगैरह ये सब चीज़ें हैं वो सब चीज़ देख लीजिए सब भी हम हालांकि कराएंगे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं खुद ही कराऊंगा जनरल अवेयरनेस के लिए मैं खुद ही कराऊंगा आपको तो ये सारा चीज़ तो जो भी इंटरेस्टेड बच्चे हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं अट्ठाइस जून से पहले उसके बाद ये ऑफर समाप्त हो जाएगा बी कोर्स के अंदर जो कंटेंट हम लोग डिलीवर कर रहे हैं फुल सिलेबस ऑनलाइन लाइव क्लास होगा चैप्टर वाइज डेली स्टडी मटेरियल लाइव चैप्टर वाइज क्वेश्चन डिस्कशन क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट टेस्ट विथ लाइव डिस्कशन और ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट यह सिर्फ टेक्निकल पोर्सन है इसमें टेक्निकल और नन टेक जो दे रहे हैं वो साथ में रहेगा ही इस कोर्स के साथ तो ज्वाइन कर सकते हैं ये पच्चीस सॉरी इक्कीस मई से चल रहा है क्लास हमारा और छः हज़ार सात सौ उनचास रुपये प्राइस है ये जो बी टी एस सी जे आर आरबी एस एस सी जे फाउंडेशन टेक्निकल सिविल ब्रांच के बच्चों के लिए ये स्पेशली है तो क्लियर हो गए होंगे तो ये आज का खास अपडेट था आप सभी प्यारे स्टूडेंट्स के लिए अब चलते चलते हम लोग चर्चा करेंगे जो बच्चे एडमिशन से संबंधित जो बच्चे एडमिशन से संबंधित किसी प्रकार की जानकारी चाह रहे हैं तो हमें वो संपर्क कर सकते हैं दो नंबर मंडे टू सैटरडे सैटरडे टू 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 मंडे ये दो नंबर है दोनों पे आप कॉल करके एडमिशन से संबंधित किसी प्रकार के क्यूरी जानकारी लेना है आप बात कर सकते हैं तो प्यारे स्टूडेंट्स अब बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है कि एल की ज्वाइनिंग पर एल तो आर की ज्वाइनिंग की जो स्थिति है बच्चे परेशान वाकई हैं बच्चे परेशान वाकई हैं आज हमने डिपार्टमेंट में संपर्क किया और वस्तुगत स्थिति ये है कि आप सभी चयनित स्टूडेंटों का ज्वाइनिंग लेटर कंप्लीट रूप से प्रिंट होकर के रेडी रखा हुआ है कंप्लीट स्कैन करके स्कैनिंग का भी काम लगभग लगभग समाप्त होने पर मेल कर दिया जाएगा फट से इशूज हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का अभी तक टाइम मुकर्र नहीं हुआ है ज्ञान भवन कब बुक किया जाए और ज्ञान भवन में किस दिन ज्वाइनिंग लेटर वितरण कार्यक्रम होगा सीएम साहब के यहां फाइल आपकी पहुंच चुकी है फाइल वहां से जैसे अप्रूवल होकर वापस आएगा अगले ही दिन सभी लोगों को मेल जाना और अनाउंसमेंट हो जाएगा अब सीएम साहब का भी स्पेशल विशेषाधिकार है उनसे कोई न सवाल कर सकता है ना प्रश्न कर सकता है कि आप हमको टाइम दीजिए या कब दीजिए उनको भी जानकारी में कि बड़ा इवेंट है और अपने समय अनुकूल समय जैसे ही देते हैं संभावना बन रहा है विभागीय जो बड़े पदाधिकारी है उन लोगों का ये आज कहना था कि हम लोग कोशिश में है कि तीस तारीख से पहले ज्वाइन करा ले हमारी मैक्सिमम एफर्ट है कि तीस से पहले ज्वाइन करा ले नहीं हो पाता है तो इसी स्थिति में फर्स्ट वीक जुलाई भी जा सकता है जब तक सीएम का टाइम नहीं मुकर्र होगा ज्वाइनिंग पर पूरी काम कंप्लीट हो चुकी है इसमें कहीं से इफवट नहीं है तो इसमें किसी प्रकार का हताश होने की जरूरत नहीं है मैं पहले से इन चीज़ों को बता रहा हूँ कि आप लोग की ज्वाइनिंग कंप्लीट होने जा रही है बहुत बच्चे बहुत तरह के विचार रखते हैं बहुत बच्चों का रहता है कि नहीं हमें जाना चाहिए डिपार्टमेंट को विरोध करना चाहिए प्रदर्शन करना चाहिए सपोर्ट करना चाहिए तरह तरह के बच्चे हैं ये लोकतंत्र आपको अधिकार देती है कि कंप्लीट रूप से अपनी अधिकार की रक्षा सुरक्षा मांग के लिए जहां जाना पड़े निश्चित रूप से जाइए इसमें किसी प्रकार का अनुभव राज का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा और ना हम मना भी करेंगे लेकिन जो जानकारी निकल के आ रही है मैं स्पष्ट आपको बता दिया हूं। जो जानकारी हमें आज प्राप्त है हम एविडेंस के साथ रखें कुछ ऐसे एविडेंस हैं जो कि पब्लिकली नहीं की जा सकती है लेकिन मैं वे प्रूफ बोल रहा हूँ मैं कोई भी चीजें आप लोग तक जब खबर लेके आता हूँ तो बेडॉट प्रूफ नहीं लेकिन हमारी कुछ पाबंदी होती हैं उसे हम पब्लिकली पब्लिक नहीं कर सकते विदाउट एविडेंस हम कोई भी चीज़ को नहीं लेकर के आते हैं तो हम समझते हैं कि आप लोग ज्वाइनिंग के जो बेट कर रहे हैं हमारी इस जवाब से शायद संतुष्ट होंगे ना संतुष्ट हैं आप अपने घर से निकलिए डिपार्टमेंट पहुंचिए और जा के वहाँ पदाधिकारियों से बात करके जो वस्तुगत इस्थित, स्थिति स्थिति है उसे प्राप्त करें और इससे अधिक जानकारी आपको प्राप्त नहीं होने जा रहा है तो हम मिलते हैं हम लोग बहुत जल्द अगले न्यू अपडेट के साथ और जो भी बच्चे आर आर बी जेई में सीबीटी बी टी वन क्वालिफाई करना चाह रहे हैं टैलेंज को स्वीकार कर, करते हुए अनुभव राज के साथ खड़ा है जितने बच्चे क्लास में होंगे टोटल सीबीटी वन में रिजल्ट देंगे और दिखाऊंगा उसमें ला करके जिस तरह एल में मैंने ठोक के चैलेंज दिया था और रिजल्ट बच्चों को दिलाया और 1130 प्लस बच्चे हमारे यहाँ से क्वालिफाई किए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म में ला करके तो यहाँ भी चैलेंज ठोक करके कि जितने बच्चे होंगे उस सारे के सारे बच्चे क्वालिफाई करेंगे मेरा वादा आप सभी से है बहुत जल्द मिलते हैं थैंक यू थैंक यू सो मच